निजकोट के इलाका में मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन के नामजद उम्मीदवार के साथ मोटरसाइकिल टकराने पर 24 साल अहमद को तशद्दुद का निशाना बना डाला। अहमद क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जा रहा था कि रास्ते में मियां सुहेल ने 25 साथियों के हमरा तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर भी गुस्सा कम न हुआ तो दुकान पर बाप इकबाल को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। दुकान में तोड़फोड़ की, जाते हुए पैसे और कीमती सामान भी साथ ले गए। मैं दुकान पे था, मुझे पता नहीं था, वो 10-15 आदमी इकट्ठे हुए और मेरी दुकान पे आए, मुझे तशद्दुद किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। अहमद के वालिद ने थाना डिचकोट में मियां सुहेल और इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त दे दी है। मुतासरा बाप बेटे और दुकानदारों ने थाना के करीब एहतजाज भी किया और लीगी उम्मीदवार के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुझे ग्राउंड में पता चला कि मेरे वालिद साहब को आके भी मार पीट के गए हैं दुकान पे। फिर मैं जिस तरह यहाँ पे पहुँचा हूँ, उन्होंने फिर वो आए हैं 30-40 लोग, उन्होंने मुझे पिस्टल से मारा है और सर पे बोतलें मारी हैं। अहमद के वालिद इकबाल ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा किया है। अब देखना यह है कि पुलिस लीगी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई करती है या फिर इस केस को भी सियासत की नज़र कर दिया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद काशिफ, 24 न्यूज़, फैसलाबाद।